मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बरेली मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने आज IVRI सभागार में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि धारा 370 और 35 के बारे में हमारी सरकार एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और लल दाग का विकास होगा ले जाने का मौका मिला। हमारी सरकार ने एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण कराया। श्रीनगर के सज्जन ने फोन करके बताया कि कोई अव्यवस्था नहीं आई और एक भी गोली चलाने की नौबत नहीं आई। बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी का शहर है। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के मामले में महिलाओं ने हाथ मिलाने लगी। केंद्रीय मंत्री से 3 तलाक को लेकर इंसाफ दिलाया और बाल शोषण रोका। GST पर भी कोई असुविधा ना हो विचार कर रही। 2014 से पहले किसी ने सोच भी नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जो द्वारा बड़े से बड़ा काम किया जा रहा है। बैंक में ऋण देने की योजना साकार हो रही है। यही एक समस्या समाचार के माध्यम से सबके बीच में आ रही है और अब क्योंकि जो ब्रेक में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है कि किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, मुझे लगता है इस बात की चिंता हम लोग कर रहे हैं और सरकार भी कोशिश कर रही है कि शिकायत का मौका नहीं। 3 राज्यों में हमें लगता है कि मतदाता भवन में 12 तारीख को झारखंड में था और वहाँ की उपस्थिति वहाँ के लोगों से बातचीत से मुझे लगता है कि लोगों ने नियम बना लिया है क्योंकि 12 वर्षों में 12 सरकारें लोगों ने देखी है। रघुवर दास जी पहली बार ऐसे ही इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और वहाँ के लोग भरोसा व्यक्त कर रहे हैं कि इस बार फिर से स्थायी सरकार भारतीय जनता पार्टी को 100 दिन में 100 मुकदमे लगा दिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर और स्वामी दिव्यानंद को पिछले दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार बचा रही है। अखिलेश यादव का वो है आरोप, मेरा आरोप नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है कानून अपनी कार्रवाई करता है। अब उनको डर ये लग रहा है अखिलेश जी को कि उनके ऊपर हमले होने की बात है। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं जो भी जिम्मेदार होगा और हम क्योंकि बरेली के रहने वाले हैं तो हम जानते हैं कि रामपुर की स्थिति क्या है। रामपुर में हम इसके लिए पूरे करना नहीं चाहते हैं पर कानूनी तरीके से ही काम होगा। मुझे इतना ध्यान है कि बरेली के एक अफसर को उनके आवास पर मुर्गा बनाया जाता है, इससे ज्यादा कुछ की बात क्या होगी। आप ध्यान करें पता कर मंत्री का ये काम है कि जो अफसर आया उसको मुर्गा बनाए, दुर्भाग्य की बात है। हमारे रामपुर के लोगों के लिए जो मौका है उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसे व्यक्ति को चुन रखे लेकिन बकरी चोरी का मुकदमा निकालना ये कहाँ तक सही है? अरे किसी का कोई जाकर चोरी करा रहा है मुकदमा तो उठाया गया है। भाई वो उनके यहाँ एक विधायक है, एक मंत्री है, उनकी पत्नी जो है वो प्रोफेसर है, तो कुल मिला के 6 लाख रुपए तो सैलरी आ ही रही है। जिसके यहाँ 6 लाख रुपए सैलरी आ रही है बकरी चोरी तो नहीं करेगा। पता है कि ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। इसमें भी सुधार की जरूरत है और सुधार करवाने का काम करते हैं। लाल फाटक के ऊपर इसको कर देंगे और आप ध्यान करें कि जिस प्रकार से चोपड़ा का जो पुल है उसका व्यवस्थित किया जाए, ये भी प्रक्रिया सामने आपका जाएगी बहुत जल्दी। और अभी हमने तय करा है कि शायद 17 तारीख को इस फ्लाईओवर पर आप तक जाएंगे। ये जो जयरामगर पर फ्लाईओवर है हम चाहते हैं पूरा कर दिया जाए जयरामगर। और एक बड़ा काम हम अपने सामने शुरू कर रहे हैं, सीवर जो 70 के बाद से काम सीवर का नहीं हुआ था उसकी शुरुआत कितने वर्ष के बाद हम लोग कर रहे हैं। गरीबी वालों को एक बहुत बड़ी समस्या नहीं जाती। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।